सड़क पर एक ओर गाड़ियों का सैलाब है तो दूसरी ओर लोगों का हुजूम है। ये जन सैलाब उमर पड़ा है चमत्कारी रुद्राक्ष के लिए। एमपी के सीहोर स्थित कुबेश्वर धाम से चमत्कारी रुद्राक्ष को लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी है कि सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं और हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं कि अब लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। दरअसल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में कल से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हुआ है। कथा के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हालत ये हो गई है कि इस भीड़ को संभालने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। भोपाल इंदौर हाईवे पर करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। 6 से 7 घंटे तक लोग हाईवे पर खड़े रहे, लेकिन भीड़ कम होने की जगह बढ़ती ही गई। और ऐसे में जब लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता दिखा तो लोगों ने सड़क किनारे ही डेरा जमा लिया। वहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से कई लोग काफी परेशान नजर आए। लोग अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। दरअसल ये भीड़ चमत्कारी रुद्राक्ष के लिए है। इस रुद्राक्ष के बारे में ये दावा किया जाता है कि इसे पानी में डालना है, इसके बाद उस पानी को पी जाना है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि इससे सारे कष्ट का निवारण हो सकता है। इसका आश्रम की तरफ से खूब प्रचार भी किया जाता है। इसी चमत्कारी रुद्राक्ष को पाने के लिए इतनी भीड़ यहाँ जमा हो गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन 16 से 22 फरवरी के बीच है। भारी भीड़ को देखते हुए इसे 14 फरवरी से ही शुरू कर दिया गया है। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा भी कहेंगे। वहीं रुद्राक्ष महोत्सव के लिए कुबेश्वर धाम को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने और कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की भीड़ थमने की जगह बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है। कुबेश्वर धाम के आसपास बने पंडालों में पैर रखने की जगह नहीं है। इसके साथ ही कुबेश्वर धाम के आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ रुद्राक्ष के लिए आए लोगों का संपर्क अपने परिवार के साथ नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से कई लोग काफी परेशान भी हैं। भीड़ इतनी हो गई है कि आसपास के खेतों में लोग अस्थायी टेंट बनाकर रह रहे हैं। वहीं प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं यहां पर ध्वस्त हो गई हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।